अस्सलामुअलैकुम। टुडे आवर 17th लेक्चर। आज हम एक्सरसाइज 1.5 कर रहे हैं। हमने चैप्टर नंबर 5 में डिफरेंट ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि सबसे पहले हमने बार ब्रैकेट को सॉल्व करना है, इसको बार ब्रैकेट कहते हैं, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और सबसे लास्ट पे बॉक्स ब्रैकेट या स्केयर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस राउंड ब्रैकेट a प्लस a। इसमें सबसे पहले हम मीनिंग कॉलम या बार ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं a प्लस, बाकी वैल्यूज को ऐसे राइट करते हैं a प्लस, और यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी 1 है, 1 and 1 2a। नेक्स्ट a प्लस और ये सॉल्व हो गया, तो ये ब्रैकेट खत्म हो गई है, बार ब्रैकेट। नेक्स्ट a प्लस इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसका कोएफिशिएंट 1 है, 2 and 1 3 3a। ये ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है, तो इसको भी खत्म कर दिया। पिछले 3a राइट करके बाद में खत्म कर ले या अभी खत्म कर ले इस ब्रैकेट को, a प्लस और 3 and 1 4a 4e, उसके बाद 4 and 1 5 5a, तो ये ब्रैकेट भी खत्म होगी। इसका क्या आंसर आ गया, 5a। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7l-2 × 3 × fn 5l - m - 2 × 4l + m। इसमें दो ब्रैकेट यूज हुई हैं, बॉक्स ब्रैकेट और राउंड ब्रैकेट। तो राउंड ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं इनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। 7l - 2 और 3 जो है ये ब्रैकेट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को 5 से, यानी इसको इसके कोफिशियंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 15। सामने एल माइनस 3 1 is 3m एंड माइनस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 are 8l और माइनस प्लस माइनस 2m। तो ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे l वाली वैल्यू और यहाँ पे भी l वाली वैल्यू को m वाली वैल्यू में ऐड कर लेंगे, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट कर लें, और m वाली वैल्यू को m। 7l - 2 15l and - 8l। 15 में से 8 माइनस करेंगे, 15 में से 8 माइनस करेंगे तो 7l। नेक्स्ट फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है, सेकंड के साथ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, दोनों वैल्यूज को प्लस करेंगे, 3 and 2 5m और साथ में साइन माइनस का। उसके बाद स्केल ब्रैकेट को भी ओपन करेंगे, माइनस 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 7 are 14l और माइनस माइनस प्लस, 2 5 are 10 10m। स्केल ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई है। इसके बाद 7l - 14l, तो फर्स्ट वैल्यू के साथ प्लस है, सेकंड के साथ माइनस है, तो क्वेश्चन को हम माइनस करेंगे, 14 में से 7 माइनस करेंगे तो 7l और साथ में साइन बड़ी वैल्यू वाला, माइनस 7l + 10m, और यही इसका आंसर है। जो सॉल्व कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बार ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको ऐसे ही ओपन कर देंगे, 2 × x² - y² - 3x² - y² - x² + x² और माइनस y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। तो ये बार ब्रैकेट ओपन हो गई। उसके बाद यहाँ पे भी x स्क्वायर है और यहाँ पे भी, तो 1 and 1 2,
इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड 1 2 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ब्रैकेट्स क्लोज. उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. इसको भी ओपन कर लेंगे और यहाँ इस ब्रैकेट को भी ओपन. 2 1 इज 2 x² और प्लस माइनस माइनस 2 y² माइनस 3 x² माइनस y² माइनस x² और प्लस 2 x² माइनस प्लस माइनस माइनस y² और ब्रैकेट्स क्लोज. राउंड ब्रैकेट खत्म हो गई. उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. कर्ली ब्रैकेट में ये वाली वैल्यू एक्स स्क्वायर की है और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर. इसके अलावा यहाँ पे प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर. वन में से वन माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो वाई स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 2 x² माइनस 2 y² माइनस 3 इंटू x² माइनस इंटू फर्स्ट वैल्यू के साथ माइनस है, सेकंड के साथ प्लस है, तो हम क्वेश्चन को माइनस करेंगे. 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, यानी x² और साथ में साइन बड़ी वैल्यू वाला, यानी यहाँ पे प्लस आएगा. प्लस लगा दें या ना लगाएं उससे कुछ नहीं फर्क नहीं पड़ेगा. 2 x². उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे. माइनस 2 y² माइनस 3 x² और माइनस प्लस माइनस x² ये ब्रैकेट भी ओपन हो गई. यहाँ पे माइनस x² और यहाँ पे प्लस x² तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. 2 x² माइनस 2 y² माइनस और यहाँ पे जीरो था तो माइनस 3 × 0. 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी. यहाँ पे क्या आ गया, 2 x² माइनस 2 y² x² में से y² को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे वैल्यू को कॉमन ले सकते हैं. दोनों वैल्यूज में 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया. x² माइनस y² और यही इसका आंसर.